और हम आपको लगातार बता रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम में किस तरीके से तेजी से हलचल हो रही है और इस सब में अब असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। अब से थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बात साफ कर दी कि शिवसेना बीजेपी हमारे लिए दोनों पार्टियां एक सी हैं, इसलिए शिवसेना के साथ भी अगर कोई सरकार बन रही है तो हम उसमें साथ नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस एनसीपी को भी आड़े हाथों लिया कि वो शिवसेना के साथ अगर सरकार बना रहे हैं तो जनता को यह समझ जाना चाहिए कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनता को कैसे बरगलाया है। कांग्रेस के तीन बड़े नेता आज रवाना हो गए हैं मुंबई की तरफ, वो शरद पवार से मिलेंगे आज शाम को। आज रात 8:30 बजे तक शिवसेना के साथ सरकार बनाने के मामले पर एनसीपी को राज्यपाल के आगे जवाब देना है कि क्या हम शिवसेना और कांग्रेस के साथ सरकार बना पाने की स्थिति में है या नहीं है। कल शिवसेना ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, उन्हें समर्थन पत्र सौंपना था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें वहां से बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके हाथ में समर्थन पत्र कल शाम तक दिया नहीं था। बात ऐसी है कि कांग्रेस क्या करेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि नाराजगी तो सभी लोगों की है, हॉस्पिटल के बारे में नहीं है या डॉक्टर्स के बारे में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बातें चल रही है वो लोगों को पसंद नहीं है। और मैं कुछ कहने के बगैर मैं इतना ही कहूँगा कि लोग चाहते हैं कि शिवसेना जल्द से जल्द वहाँ के जो कार्यकर्ताओं अंदर हैं अभी उनको बाहर निकाले और उनको इस सब बातों में इंटरेस्ट है उनको मदद करें। एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों का प्रीपोल अलायंस है, हम मिल के लड़े हैं, एक उसूलों पे लड़े हैं, इसीलिए हम दोनों मिल के बैठ के बात करके उसके बाद अंतिम फैसला लेने का सोचे हैं और हम बात कर रहे हैं शरद पवार जी के साथ डायरेक्टली। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात किया और उन्होंने भी थोड़ा समय मांगा था, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ें वो दोनों में बातचीत हो गई वो डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि हम हमारे लोग और उनका उनके भी जो नेताएं हैं सब मिलके बात करेंगे, बात करके उसको किस ढंग से हम आगे कदम उठाना ये निर्णय करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस है जिसके नेता आज शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिवसेना जिसने अभी तक उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं है कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। आपको सुनवाएंगे कांग्रेस एनसीपी के नेताओं के बीच आज सुबह किस तरीके से जुबानी जंग हुई है, लेकिन उसके पहले एक बार आपको लिए चल रहे हैं 10 जनपद जहां मौसमी सिंह हमारी सहयोगी मौजूद है। मौसमी, क्या खबर आपके पास आ रही है? जी देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस के जो नेता गए हैं वो बातचीत करने जरूर गए हैं पर पूरी तैयारी के साथ गए हैं रोहित, यानी कि सरकार में को सपोर्ट करना है उसकी भी तैयारी है, सरकार को सपोर्ट नहीं करना है आगे का क्या रास्ता होगा उसकी भी तैयारी है, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो आगे क्या रणनीति होगी उसके बारे में भी क्या चर्चा करनी है सब तैयारी करके गए हैं। और 3 रणनीतिकार को सोनिया गांधी ने ये जिम्मेदारी दी है। बताया जा रहा है कि कल प्रियंका गांधी ने भी खास तौर से कहा था कि सुबह जो है एक बारी चर्चा करने के बाद ही सलाह मशवरा करने के बाद ही हमें अपनी टीम रवाना करनी चाहिए, पर अजीत पवार का जो बयान आया है रोहित उसको लेकर कांग्रेस आलाकमान थोड़ा सा अपसेट भी है और इसी वजह से खंडन किया गया है। कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि अजीत पवार के बयान को खारिज किया जाता है जिसमें उन्होंने जो सारी जिम्मेदारी है देरी की वो कांग्रेस इल्जाम कांग्रेस पर लगाया है, उन्होंने कहा ये सरासर गलत है। कल शरद पवार ने कहा था कि कोई खाका साफ नहीं है उद्धव ठाकरे के साथ और उसी के बाद कांग्रेस ने अपने पैर पीछे खींचे थे।
यानी कि कुल मिला के कांग्रेस इस पूरे महाराष्ट्र की सियासत में, इस पूरे गेम में कहीं भी पीछे छूटते हुए नजर नहीं आना चाहती, वहीं वो जल्दबाजी करना नहीं दिखना चाहती, और यही वजह है कि 3 रणनीतिकार को भेजा गया है मुंबई। ये स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, खड़गे इंचार्ज है, अहमद पटेल पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, अभी भी सोनिया गांधी को एडवाइस करते आए हैं, और केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी हैं, संगठन महासचिव है, राहुल गांधी के अपॉइंटी हैं, तो राहुल गांधी की तरफ से वो राहुल गांधी का पक्ष रखेंगे, क्विक फिक्स की राजनीति ना हो ये इंश्योर करने ये लोग गए हैं। वापस आते हैं आपके पास। अजीत पवार की बातों से नाराज है कांग्रेस। अजीत पवार ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया था आज देरी के लिए, लेकिन इसके पहले दोनों दल साथ चलने की कसमें खा रहे थे। जरा आपको वो बयान सुनवा देते हैं, फिर आपको मुंबई भी लेकर चलेंगे और जयपुर भी लेकर चलेंगे। वैचारिक मतभेद तो है ही ना, वो तो कोई ये साइड में तो नहीं हुआ है। बात ये स्पष्ट है कि जो भी डिसीजन होगा वो सब लोग मानेंगे, कोई महाराष्ट्र के ना MLA ना कोई नेता कुछ अलग बात करते हैं, जो वो यही समझते हैं कि जो भी डिसीजन अंतिम होगा सबकी सुनने के बाद वही डिसीजन सब मानेंगे। ऐसा नहीं है, हमने 7 चुनाव लड़ा है, इसीलिए कुछ भी डिसीजन जब होता है तो साथ लेना चाहिए। इसीलिए पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं, और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। जो भी डिसीजन होगा वो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो होना चाहिए गवर्नमेंट में, खाली एक ने डिसीजन होके कुछ होने वाला नहीं है। जब कोई पार्टी डिसीजन लेती है तो सबके साथ बातचीत करने के बाद डिसीजन होता है, और सबके साथ डिसीजन चल रहा है, मतलब बातचीत चल रही है, उसके बाद डिसीजन होगा। आप सबने देखा कि सुबह 10 से शाम को 7:30 तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब, जयंत राव, छगन भुजबल साहब, तटकरे जी, धनंजय मुंडे जी, सब हम, प्रफुल्ल पटेल जी, हम वहाँ वो लेटर की राह देख रहे थे। सुबह हमें बताया कि सुबह की मीटिंग होने के बाद मिलेगा, फिर उसके बाद बताया कि 4 वापस मीटिंग है, फिर 4 की मीटिंग के बाद पता चला कि थोड़ा देर हो रही है, फिर उसके बाद 7:30 का वो टाइम था, क्योंकि कल 7:30 तक ही उनको लेटर देना था, तब तक लेटर उनका आया नहीं, तो उनका लेटर नहीं मिल रहा है तो हम अकेले कैसे दे सकते। तो आपको मुंबई लेकर चलेंगे। सौरभ भक्तानी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं, वो मातोश्री के बाहर मौजूद हैं। शरद कुमार इस वक्त जयपुर से हैं, मौसमी सिंह दिल्ली से हैं, और कमलेश सुथार वहां हैं जहां NCP की मीटिंग चल रही है। कमलेश, कहीं अजीत पवार NCP के संजय राउत तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आरोप ये लगा कि संजय राउत के बयानों ने ज्यादा गड़बड़ किया मामले को। जी नहीं रोहिता, अजीत पवार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या 8:30 तक इन सारे लेटर्स का लेटर समर्थन के जो देने हैं क्या वो पहुंच पाएंगे। कांग्रेस के जो नेता दिल्ली से आने वाले हैं, शरद पवार से मिलने वाले हैं तकरीबन 6 के करीब, तो वक्त काफ़ी कम बचता है। कल भी हमने यही देखा कि शिवसेना ने दावा तो ठोक दिया, लेकिन दावा करने के साथ जो समर्थन का पत्र देना था, जो सिग्नेचर्स के साथ में कांग्रेस और NCP के, वो नहीं जमा कर पाए, और इसीलिए राज्यपाल ने उन्होंने जो ज़्यादा वक्त मांगा था उस ज़्यादा वक्त के मांगने को मांग को खारिज कर दिया। तो आज क्या यही NCP को भी देखने को मिल सकता है? क्या NCP अभी इतने कम वक्त में समर्थन के पत्र जुटा पाएगी? सभी विधायकों के, NCP के खुद के और कांग्रेस के विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर आ पाएगी? इसीलिए इस बात को लेकर आशंका, इसलिए अजीत पवार ये बात कह रहे हैं कि देरी हो रही है। कल भी हम दिन भर कांग्रेस का इंतजार कर रहे थे, आज तक कांग्रेस का लेटर नहीं आया। अब जो नेता कांग्रेस को मिलने आ रहे हैं, क्या वो पत्र के साथ आएंगे, एक ठोस भूमिका लेकर आएंगे, या उसके बाद में फिर चर्चा होगी और चर्चाओं का दौर ही चलता रहेगा जब तक महाराष्ट्र में गवर्नर, राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देंगे। इन सभी चीज़ों को जो भी करना है तो जल्द करना है, क्योंकि वक्त जो है दौड़ा जा रहा है। लेकिन जल्दी किसको है सरकार बनाने की, शिवसेना के अलावा? हाँ,
अगर साथ में उनको आना भी है शिवसेना के साथ में, राष्ट्र दोनों पार्टियों का यही कहना है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू ना हो और एक महाराष्ट्र में एक स्टेबल सरकार देने के लिए, एक स्थिर सरकार देने के लिए सबको साथ में आना जरूरी है। शिवसेना, जाहिर सी बात है, शिवसेना इस बात को लेकर शिवसेना ने पहल की है, साथ ही साथ एनसीपी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। अब बात है सिर्फ कांग्रेस साथ में आएगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बगैर उनके नंबर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस साथ में आती है, सिर्फ समर्थन देती है, बाहर से समर्थन होगा या फिर कांग्रेस सरकार में भी शामिल होगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा होनी अभी बाकी है और इसलिए इस निर्णय में देरी हो रही है। सौरभ, आपको लगता नहीं कि शिवसेना जो कुछ दिन पहले तक सोच रही थी कि बीजेपी को आंख दिखाएंगे तो बाकी दोनों पार्टियां हमें हाथों हाथ लेंगी क्योंकि हम उनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, उस शिवसेना की साख को अब बट्टा लग रहा है जो मौजूदा हालात हैं उसमें? बिल्कुल बिल्कुल रोहित, अगर कल शाम तक की तो बात करें तो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब वो गवर्नर के पास पहुंचे हैं तब उनके पास कोई भी समर्थन पत्र नहीं था। अब वहां से भी जब वो बाहर निकले तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे और बोले हम तो गवर्नर के पास गए और हमने कहा कि हमें सरकार बनानी है, लेकिन उसके लिए आंकड़े चाहिए उनको। अब कांग्रेस और एनसीपी अभी तक तय नहीं कर पा रही तो शिवसेना की हालत थोड़ी सी नाजुक नजर आ रही है क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। अब आज एनसीपी के पास 8:30 बजे तक का समय है, अगर एनसीपी सरकार नहीं बना पाती यानी कि वो एबिलिटी नहीं दिखा पाती तो शायद गवर्नर एक बुक से जाते हैं तो बुक के थ्रू वो कांग्रेस को मौका दे, तो एक 24 घंटे का जो विंडो पीरियड है शिवसेना को और मिल जाएगा, वो लोगों को मनाने की और कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात हमें नजर आ रहे हैं, ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस एनसीपी की अलग आइडियोलॉजी है, शिवसेना की अलग आइडियोलॉजी है। अब फिलहाल जो मातोश्री पर है वो हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज है। फिलहाल जो है अरविंद सावंत यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ ही देर में वो मीडिया से भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। अरविंद सावंत यही है जिन्होंने जो है मुख्य अपने जो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और NDA से अलग हो गए और यही वो एक बड़ा फैसला था कि जिस तरीके से शिवसेना है NDA से अलग हो गई, आज उनका जो रेजिग्नेशन था वो प्रेसिडेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि अरविंद सावंत अब कुछ ही देर में बाहर आएंगे। कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे से भी बात हुई थी तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं जरूर बात करूंगा लेकिन वक्त आने पर बात करूंगा। अब ये जो पूरे हालात हुए हैं रोहित, बहुत ज्यादा जो बीजेपी के ऊपर वार किए गए हैं तो वहां से वापस आना अब शिवसेना के लिए बहुत मुश्किल है। कुछ देर पहले आशीष सेलार संजय राउत को अस्पताल में मिलने गए थे, आशीष सेलार जब बाहर आते हैं तो एक तंज कसते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि संजय राउत थोड़ा कम बोले और हम भी यही चाहते हैं कि संजय राउत थोड़ा कम बोले उनकी तबीयत के खातिर। तो इस तरीके के फिलहाल हालात है तो अब शिवसेना को यही कोशिश करनी चाहिए और वो पूरी कोशिश कर भी रहे कि किसी ना किसी तरह कांग्रेस और एनसीपी को मनाया जाए, वो एक साथ आए और मनाने की कोशिश तो चल ही रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर भी घमासान है कि अपने लोगों को एकजुट कैसे रखा जाए। उनको जयपुर में ले जाकर रखा गया एक रिजॉर्ट में, उसकी भी बात करें लेकिन उसके पहले जरा नेताओं के बयान भी आपको सुनवा देते हैं कल के। जैसे ही भाजपा ने दावा था वो नकारा, वैसे ही हमें खत आया, गवर्नर साहब का खत आया, उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है वो बताया है गवर्नर साहब को, लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी, वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम ये जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें 24 घंटे की मुदत दी थी। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ हैं। उन्होंने हमें आज बुलाया है, हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा विचार विनिमय करेंगे और जो भी हमारा रिप्लाई है वो जल्द से जल्द उनको देंगे। 48 घंटे मांगे तो वेट करेंगे ना, क्या होता है विल फाइंड आउट। सर, अगर गवर्नर आप लोग को बोलता है सरकार बनाने को, एनसीपी कांग्रेस को बुलाता है, क्या आप लोग उसको कंसिडर करेंगे फिर, क्योंकि गवर्नर टाइम ना दे? ऐसा संवैधानिक प्रावधान ऐसा नहीं है।